नमस्कार, आज मैं मलकीत, क्लास 11th फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो भारत के नहीं दुनिया के सबसे महान आर्ट स्कूल्स में से एक है, के बारे में कुछ खास और विशेष बातें आपसे बांटने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, 2nd सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी AD। आगे चलने से पहले मैं BC और AD का कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, जो कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को जानने में मददगार साबित होगा। दुनिया में टाइम को डिवाइड करने के काफ़ी तरीके हैं, उनमें से ही एक है BC एंड AD। अगर हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ डेट को एक मार्क लेके चलें और उसके पहले वाले सभी सालों को देखें तो उन्हें BC कहा जाएगा। मीन टू से बिफोर क्राइस्ट, मतलब लॉर्ड क्राइस्ट के बर्थ के पहले के सभी साल। और एक बात नोटेबल है कि BC उल्टे चलते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के 1 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के 2 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3 साल पहले। और आप कह सकते हैं BC जितना बड़ा होगा उतना ही पुराना होगा। आप इस चार्ट से क्लियर कर पाएंगे 100 BC, फिर उससे पहले 200 BC, उससे पहले 300 BC। और अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात करें तो उसके बाद AD आता है। AD मतलब ओनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब लॉर्ड की कृपा में जिए गए सारे साल। सिंपल भाषा में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के सारे ईयर्स को हम AD कहेंगे। और ये नॉर्मल नंबर्स की तरह ही काउंट होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1 साल बाद, 2 साल बाद। और अगर आप देखें तो आज हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2019 साल बाद हैं, मीन 2019 AD में हैं। तो इसी के साथ AD और BC का कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो आगे ये आपको टाइमलाइंस और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को अच्छी तरह समझने में मददगार होगा। रिलीजन बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया अशोक सम्राट जी द्वारा। माना जाता है कि किसी जंग के बाद की परिस्थितियां देखने के बाद अशोक सम्राट को अपने पापों का एहसास हुआ और उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया। मौर्यंस के बाद ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम ने गंधारा को कॉन्कर किया, और ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम ग्रीक किंगडम का ही एक सब पार्ट है। और ग्रीक का एक आर्ट कल्चर जिसे हेलेनिस्टिक कल्चर के नाम से जाना जाता है, इस किंगडम के इन्फ्लुएंस में गंधारा को वो मिला। और ईरान के एरियाज में जहाँ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फैला हुआ था, वहाँ मेनली हेलेनिस्टिक कल्चर ने अपनी जड़ें जमाई। उसके बाद 1st सेंचुरी BC में कुशंस, जो कि तुर्किस्तान से थे, उन्होंने गंधारा को कॉन्कर किया। कुशंस के अंदर कनिष्का एम्परर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल किया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में और बुद्धिज्म को प्रोपगेट करने में। अगर आप इस सिक्के को देखें जो कि कनिष्का की पीरियड का है, तो आपको एक साइड पर कनिष्का खुद दिखेंगे और दूसरी साइड पर आपको लॉर्ड बुद्धा की एक तस्वीर दिखेगी। और इस साइड देखेंगे तो आपको इस पेंटिंग में लॉर्ड कनिष्का लॉर्ड बुद्धा को वर्शिप करते हुए दिखेंगे। माना जाता है कि कनिष्का ने बुद्धिस्ट सेजिस से कहकर कुछ ऐसे टेक्स्ट कंपाइल करवाए, कुछ ऐसी कहानियां लिखवाई जिसमें कहा गया कि गंधारा ही बुद्धा के चमत्कारों की जगह है। और वहां पर तक्षशिला में कनिष्का ने ही काफी स्टूपास बनवाए। अब आप जो देख पा रहे हैं ये चरसाड़ा का और गंधारा का टाइम पीरियड मैप है, अगर आप एक हिसाब से कहें। जैसे जैसे खुदाई होती गई और हमें टाइम पीरियड्स का जो प्रूफ मिलता गया और हमने उसे कैसे कैटेगराइज किया, ये उसका मैप है। अगर आप देखें सबसे लेटेस्ट, सबसे बाद में जो आए थे कुशंस उनकी चीजें मिली, और उनसे पहले जो आए थे इंडो ग्रीक्स उनकी चीजें मिली, और उससे पहले आए थे मौर्यास उनकी चीजें मिली। चरसाड़ा की जो जमीन के नीचे चीजों की मिली लेयर्स हैं, उनसे ही हम टाइम पी लाइन्स का हिसाब लगा सकते हैं। मटीरियल्स यूज्ड, गंधारा में जो भी स्कल्पचर्स एक्सेट्रा बने हैं उसमें मेनली डार्क ग्रे ब्लूज स्किस स्टोन मिला है। स्किस स्टोन एक ऐसा स्टोन है जिसमें काफी टाइप्स के स्टोन्स की लेयर्स होती हैं, और गंधारा में जो भी स्कल्पचर्स हैं मेनली वो इसी स्टोन से बनी हैं। और कई बार स्टुको मिक्सचर, इसी स्टोन का चूरन कह सकते हैं आप, मिक्सचर से स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और ये तब इस्तेमाल होता था ये मिक्सचर जब स्कल्पचर्स जल्दी बनाने होते थे, यानी टाइम की कमी होती थी। और ब्रोंज फिगर्स भी बनाई जाती थी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पर ब्रोंज फिगर्स मेनली हाई सोसाइटी के लिए होती थी, राजा महाराजाओं के लिए। टेराकोटा की भी मूर्तियां और स्कल्पचर्स बने, पर ये ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाई। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में
वेस्ट के कुछ काफी कल्चर्स का इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिलता है और कुछ प्रूफ्स भी मिलते हैं, और आगे चलते हुए हम उन्हीं प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे। अलेक्जेंडर और ग्रीक किंगडम्स जिन्होंने गंधारा को कॉन्कर किया, उनके तो काफी इन्फ्लुएंस मिलता ही है हमें गंधारा में, पर हमें रोमन आर्ट का भी काफी इन्फ्लुएंस दिखता है गंधारा में। और रोम आप देख सकते हैं, रोम और गंधारा की ये ट्रेड लाइन है, और सोल्जर्स और मर्चेंट्स जो भी छोटी मोटी इस्तेमाल की चीजें लाया करते थे गंधारा में इंडिया में, वही चीजों से इंस्पिरेशन लेकर गंधारा आर्टिस्ट ने अपना सब्जेक्ट चुना। माना जाता है कि जो रोमन आर्ट की फिजिकल एक्सपीरियंस है, गंधारा आर्टिस्ट ने सिर्फ उसे जाना, और उसके जो सब्जेक्ट मैटर थे यानी उनके जो देवी देवता थे रोमन आर्ट्स के, उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और हमें ग्रीक और रोमन दोनों के ही काफी प्रूफ्स मिलते हैं गंधारा में। आप इस कास्केट को देख सकते हैं, कास्केट एक ऐसी आइटम होती है जिसमें सिक्के वगैरह रखते हैं, और ये जो कास्केट है उसमें काफी स्कॉलर्स की बहस है कि आखिर ये ग्रीक की है या रोम की है, पर इसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट्स का आप एक प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे बाहरी देशों से, वेस्टर्न देशों से आई आइटम्स गंधारे में मिली जाती थी। और ये जो कास्केट है ये बिरमिन में मिला था, अफगानिस्तान का एक स्टूपा है ये। और इन जो ये ग्रीक के आइटम्स हैं, इनका बुद्धिज्म से ज्यादा रिलेशन नहीं होता था अगर हम देखें, और रोम या ग्रीक की क्लासिकल आर्ट से काफी रिलेशन होता था उनका। आप देख सकते हैं ये टॉयलेट ट्रेस है रोम आर्ट की, और जो रोम है वो काफी उनके कल्चर को हमें पहले जानना होगा रोम और गंधारा के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। और जो भी सिल्वर के झूमर वगैरह बनते थे रोम में, और रोम में काफी इंपॉर्टेंस थी सिल्वर की, और ये हमें उनकी लिटरेचर सोर्सेज से पता लगता है, और जो भी झूमर वगैरह बनते थे उन्हीं झूमर के छोटे पार्ट्स को, उनके सब पार्ट्स को टेराकोटा पर कॉपी कर दिया जाता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और जो ये डिजाइन्स हैं इन्हीं की हमें रीअपीयरेंस मिलती है गंधारा, और ये हमें कुछ ट्रेस है टॉयलेट ट्रेस जो कि गंधारा से मिली है, और ये ग्रीको रोमन आर्ट की है। आप देख सकते हैं इसमें कई गॉड्स दिखाए गए हैं रोम के, और ये एक डोमेस्टिक पर्पस भी सर्विस सर्व करती थी ये ट्रेस, जो ये नीचे जो खाली एरिया है यहाँ पर सूप या ऐसी कोई कॉस्मेटिक्स रखते होते थे, और ऊपर कोई डिजाइन होता था जैसे कि आप यहाँ गॉड्स को देख सकते हैं। और अलेक्जेंडर ग्रेट और रोमन किंग्स ने पहले ऐसी ही तस्वीरों से अपना जो इन्फ्लुएंस था वो बनाने की कोशिश की, ताकि हम लोगों के दिमाग में हमेशा याद रहें, हमें सदियों तक याद किया जाए। पर आगे चलते हुए उन्हें पता लगा कि स्कल्पचर्स वगैरह बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर हमें लोगों के दिमाग में याद रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हमें किताबों में पढ़ा जाए, आगे की जनरेशन हमें याद करें, तो हमें कहानियां बनानी होगी, मिथ्स बनाने होंगे। और ऐसे ही शुरुआत हुई इंपीरियल कल्ट की। ये रोम का एक रिलीजन है, रोम के इंपीरियल्स का, यानी रोम के राजा महाराजाओं का रिलीजन है, और उन्होंने वहां पर इसमें ही स्टोरीज डेवलप की। और इसमें एक काफी पॉपुलर स्टोरी है कि एक स्वर्गों से एक राजा आएगा जो कि पीस का राजा होगा और सोने की एज लाएगा। और अगर आप देखें तो बुद्धा की जो स्टोरी है वो भी काफी मिलती जुलती है स्टोरी से। बुद्धा को भी एक तरफ पीस का राजा ही कहा जाता है, और जो कि हर तरफ सैल्वेशन यानी मुक्ति लाएंगे वो माना जाता है। बुद्धिज्म मेनली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, हीयाना और महायाना। महायाना में बुद्धा को एक डिवाइन ऑनर दिया गया, उन्हें जबकि एक परफेक्ट ह्यूमन माना जाता था, उसके बाद महायाना पीरियड में उन्हें गॉड माना गया, और यूनिवर्सल रिडेम्पशन यानी पूरी दुनिया को मुक्ति का एक ही साधन माना गया जो कि बुद्धा था। और बुद्धा को आगे बुद्धिस्ट तवास सर्व करते थे, और बुद्धिस्ट तवास के कारण जो कि लोअर एजेंट्स के बुद्धा से, उनसे लोग ज्यादा कनेक्टेड महसूस करने लगे खुद को बुद्धिज्म से। और बुद्धा की दो बॉडीज मानी जाती हैं, फिजिकल एंड क्यूसी इंटरनल यानी डिवाइन जो कि हर जगह है। और अगर आप देखें तो जीसस क्राइस्ट की भी एक ऐसी थ्योरी है फादर्स के बीच कि क्राइस्ट की एक से ज्यादा बॉडीज हैं, और यही एक लिंक मिलता है हमें बुद्धा और क्राइस्ट के बीच। और अगर आप महायाना बुद्धिज्म की आगे देखें तो बुद्धा की जो शुरुआती लाइफ थी वो चमत्कारों से भरी हुई थी, जो कि उनकी डिवाइन पावर ओरिजिन को सिंबलिफाई करते थे। और रोमन कल्ट की जो स्टोरीज हैं उसमें भी आपको ऐसी प्रेडिक्शंस और मिथ्स और पावर्स मिलेंगी, जैसे कि एक
हमने पहले बात की, एक स्वर्ग से एक बच्चा आएगा और उसके जन्म के वक्त कॉन्स्टिलेशंस जो तारे सितारे हैं उनकी दशा बहुत अच्छी होगी, और ऐसे ही कुछ सिंबल्स उसके बचपन में जो कि उसे एक परफेक्ट और डिवाइन ह्यूमन बनवाएंगे। और जो ये पैरेललिज्म है बुद्धिस्ट माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी के बीच, ये स्कॉलर्स को मजबूर करता है ये जानने में कि आखिर क्या ये दोनों एक दूसरे इंस्पायर्ड हैं, और क्या इन दोनों ने एक पैरेलल चले और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस देते हुए चले। पर अगर हम देखें तो जो आर्ट का सेक्टर है उसमें हमें एक ऐसा रिलेशन मिलता है, और गंधारा आर्ट और रोम आर्ट में हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं जो लिंक स्टैब्लिश करती हैं इन दोनों के बीच। आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, ये जो स्टैचू है, ये बुद्धा का है, और बुद्धा के जो स्टैंडिंग पोज है आप देखते हैं पैर कैसे मुड़ा हुआ है, एक पैर कैसे सीधा खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैर मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम एंगल अगर आप ध्यान से देखें, और इसमें भी आप इस पैर के एंगल और इस पैर के एंगल को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ही सिमिलर है, और यहाँ पर घुटना थोड़ा बेंट है और यहाँ पर भी घुटना थोड़ा बेंट है। और आप अगर आप इस कपड़े को देखें तो आप देख सकते हैं कपड़ा तो थोड़े से चेंजेस के बाद इस अडॉप्ट किया गया है, और इनका स्टैंडिंग पोस्चर तक काफी सेम है, और इनका हाथ सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और ये हाथ आप देख सकते हैं ये हाथ भी सेम डायरेक्शन में है और ये हाथ भी सेम डायरेक्शन में है। और काफी और चीजें भी मिलती हैं प्रूफ में, जैसे कि ये गंधारा का एक प्लेट है जिसमें बुद्धा को मेडिटेट करते दिखाया गया है, और ये रोम का काफी फेमस एक फिगर है जिसमें जिसमें एक फार्मर हल चला रहा है, और आप देख सकते हैं फार्मर का स्टैंडिंग कर्व, आप देख सकते हैं बॉडी का कर्व, स्टैंडिंग का पोज, और आप यहाँ पर भी वो कर्व देख सकते हैं, कर्व काफी सिमिलर है आप देख सकते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस, अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें काफी सिमिलर है, और यहाँ पर भी बुल है, यहाँ पर भी बुल है, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्लेट एक दूसरे से इंस्पायर्ड हुई लग रही हैं, और सिर्फ एक बुद्धा एलिमेंट, नया बुद्धा को एक नए एलिमेंट के तौर पे ऐड किया गया है जो कि इसे कैसे ना कैसे बुद्धिस्ट मैथोलॉजी से रिलेट करता है। और गंधार आर्टिस्ट ने काफी बार बुद्धा को सिंबल एक किसी सिंबल से भी दर्शाया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बुद्धा यहाँ पर घोड़े पर कोई आदमी नहीं है, पर ये जो छतरी है ये बुद्धा को सिम्बॉलीफाई कर रही है कि यहाँ पर बुद्धा है, और पर ऐसा हर बार नहीं हुआ है, बुद्धा को हर बार ही ऐसे सिंबॉलिफाई नहीं किया गया है किसी चीज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉडी दिखाई गई है बुद्धा की और कैसे उनकी तरफ देख रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को और इस फिगर को तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर घोड़े पर एक आदमी बैठा हुआ है और कुछ लोग उसे सहारा दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, इधर भी उसकी तरफ मुंह किया हुआ है और ये उस तरफ, इधर भी उस तरफ मुंह किया गया है, पीछे लोग सहारा दे रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच काफी सिमिलैरिटी है, एक दूसरे से इंस्पायर हुई लग रही हैं जी। और ये प्लेट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्राइस्ट की एंट्री हुई थी जब एक सिटी में, और पीस का राजा के कंसेप्ट उनसे जुड़ा था, और आप देख सकते हैं कि ये उसी से रिलेटेड है, और आप ये गंधारा क्या एक प्लेट है, इन दोनों के बीच आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। आप फिर से देखिए इस प्लेट को, लोग एक देख रहे हैं बुद्धा की तरफ, पीछे लोग हैं घोड़े पर हैं बुद्धा, और आप आगे देखिए यहाँ पर भी जीसस की तरफ लोग देख रहे हैं, पीछे लोग हैं घोड़े पर हैं जीसस। तो सिमिलैरिटी को बताते हुए मैं आगे चलता हूँ, और बेंडिंग एक एलिमेंट है रोम और गंधार आर्ट में जो कि काफी सिमिलर है। बेंडिंग लोग तब करते हैं जब किसी गॉड या फिर ऐसे राजा महाराजा के आगे फॉरगिवनेस या फिर अपनी शरण में लेने के लिए बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीन है कन्वर्जन ऑफ अंगुलिमालन, और ये एक जटका स्टोरी में से इंस्पायर्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंडिंग है, आसपास लोग खड़े हुए हैं, कैसे यहाँ पर हाथ उठा हुआ है इस पर्सन का और यहाँ पर भी हाथ उठा हुआ है इस पर्सन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बेंड है, यहाँ पर भी बेंडेड है, आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी अगर आप देख। और अगर आप देखें ये रोम की पेंटिंग है और ये गंधारा की प्लेट है, आप देख सकते हैं लॉर्ड या बुद्धा और क्राइस्ट कैसे बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं, उनके पास साइड पे लोग खड़े हैं, इस साइड पे भी लोग खड़े हैं और इधर भी लोग खड़े हैं और इधर भी लोग खड़े हैं, और आप आगे यहाँ पर मेन चीज देखें बेंड हुआ हुआ है कोई, और यहाँ पर भी कोई बेंड हुआ हुआ है। और उसके बाद आती है केव्स, केव्स दोनों रोम और गंधारा दोनों में ही पाई जाती हैं, जब भी कोई गॉड या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फिगर विजिट करती है किसी गॉड को और किसी और ह्यूमन को तो वो केव्स में करती है। आप देख सकते हैं केव्स हमें गंधारा के रिलीज में मिलती हैं और रोम के कब्स में मिलती हैं।
और ये कुछ और प्लेट्स के एग्जांपल, ये रोम की प्लेट है, ये गंधारा की प्लेट है, सेंटर फिगर बीच में है और आसपास लोग उनकी तरफ मुंह किए हुए बैठे हुए हैं, लातों की बेंडिंग का पोज देखिए, और इधर भी लोग उनकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, लातों की बेंडिंग का पोज देखिए। और इसमें आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बीच में पिलर्स है मॉन्क के बीच, और यहाँ पर भी ये रोम की प्लेट है, ये गंधारा की प्लेट है, यहाँ पर बीच में पिलर्स आपको दिखेंगे, बीच में गॉड या फिर जीसस और बीच में बुद्धा दिखेंगे। आप देख सकते हैं ये पिलर्स काफी इंपॉर्टेंट लिंक है और इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है। और ये एक प्लेट है जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे से देखकर बनाई गई लगती है। आप देख सकते हैं ये है गंधारा की प्लेट, ये है रोम की प्लेट, एक सेंटर फिगर का बीच में होना और आसपास के पर्सन्स को ऐसे उनके शोल्डर्स पर हाथ रखा होना, और इस प्लेट में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो हमें एक चीज क्लियर होती है कि गंधारा आर्टिस्ट ने रोम से काफी इंस्पिरेशन ली और कुछ लिंक्स हमें इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और पर एक बात नोट करने वाली है कि गंधारा आर्टिस्ट ने उनके गॉड्स को तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उनके गॉड्स को वर्शिप करना शुरू नहीं किया। और हेलेनिस्टिक कल्चर गंधारा, जबकि मैंने आपको अभी बताया कि रोमन आर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गंधारा में, वैसे ग्रीक कल्चर यानी हेलेनिस्टिक कल्चर भी उन्हीं वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में से एक है जिन्होंने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। और आप देख सकते हैं ये हेलेनिस्टिक कल्चर की एक एग्जाम्पल है और ये गंधारा की। आप देख सकते हैं कर्ली हेयर माना जाता है कि मेनली हमें हेलेनिस्टिक कल्चर से मिली है, जैसे कि आप बुद्धा की मेनली सारी स्कल्पचर्स वगैरह देखेंगे तो आपको हर तरफ कर्ली हेयर दिखेगा। हमने ये एलिमेंट मेनली हेलेनिस्टिक कल्चर से लिया है, पर ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ ही कॉपी कर लिया किसी से और रोम या फिर ग्रीक से कॉपी कर लिया, हमने कुछ अपने एलिमेंट्स भी डाले हैं या फिर आप कह सकते हैं कुछ अपनी चीजें भी ऐड की हैं, जैसे कि मुद्रा। मुद्रा हमें और किसी कल्चर में नहीं मिलती, और मुद्रा एक सिम्बॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करेंगे कि कैसे हर एक मुद्रा का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू सिम्बोलाइज करती है वो हर एक अलग चीज को। हमारी पहली और सबसे पॉपुलर मुद्रा है अभिमुद्रा, अ प्रेस्ड राइट हैंड। इसमें मेडिटेटर का हैंड रेस्ड होता है जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, और ये फेयरलेसनेस और टीचिंग का सिंबल है। अगर आप ध्यान दोनों चीजों को जोड़ के देखें तो यहाँ पर मेडिटेटर या फिर बुद्धा कह रहे हैं कि आप निडर होके मेरे पास टीचिंग्स लेने आओ, और ये टीचिंग पोज ही माना जाता है बुद्धा का। उसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, माना जाता है कि ये मुद्रा तब ली गई थी जब बुद्धा अपना फर्स्ट सर्मन यानी फर्स्ट प्रवचन दे रहे थे आप एक हिसाब से। और आप यहाँ पर हैंड्स की पोजिशन देख सकते हैं, ये फिगर आपको ज्यादा क्लियर करेगी। और इसमें एक हैंड का पाम आपकी आउटर वर्ल्ड की तरफ फेस करेगा और दूसरा हैंड का पाव आपकी इनसाइड वर्ल्ड की तरफ फेस करेगा। और ये जो मुद्रा है आउटसाइड वर्ल्ड और इनसाइड वर्ल्ड के बीच को बैलेंस बनाने के लिए की जाने वाली मुद्रा कहा जाता है। और इसमें हैंड पाम की पोजीशन चेंज हो सकती है, यानी इसमें लेफ्ट पाम आउटसाइड फेस कर रहा है तो किसी और स्कल्पचर में आप इन दोनों की पोजीशंस इन्वर्टेड हो सकती है, यानी ये पाम आउटसाइड हो सकता है और ये पाम इनसाइड हो सकता है। ये मेनली मेथड और विजडम की यूनियन का सिंबलीफाई करती है और इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के पीस को सिंबलीफाई करती है। उसके बाद आती है बोधजांगी मुद्रा। बोधजांगी मुद्रा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में काफी डिस्क्राइब की गई है और ये लोटस पेटल्स को अनफोल्ड करने की मुद्रा है। इसमें लग रहा है मेडिटेटर के राइट हैंड में लोटस के पेटल्स पकड़े हुए हैं और लेफ्ट हैंड में उसकी स्टॉक यानी डंडी पकड़ी हुई है। और इसमें अनफोल्डिंग द लोटस ऑफ लॉ, जो लोटस ऑफ लॉ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, जिसमें जैसे लोटस पानी के ऊपर रहता है पर पानी से बिल्कुल टच नहीं होता कभी भी, यानी एक बैलेंस जो कि बुद्धिज्म का मेन कंसेप्ट है उसको लोटस ऑफ लॉ सिंबलीफाई करता है। और ये मुद्रा उसी के एक फिजिकल सिंबल आप देख सकते हैं। और उसके बाद आती है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा सबसे इंटरेस्टिंग मुद्रा है गंधारा की। आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली मेडिटेटर का हाथ अर्थ की तरफ होता है, जैसे कि नाम से देख सकते हैं भूमि स्पर्श यानी अर्थ टचिंग पोज। और इसमें अर्थ को मेडिटेटर विटनेस की तरह बुला रहा होता है, और मेनली इसमें मेनली बुद्धा मेडिटेटर बनकर अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर अर्थ को बुलाते हैं। पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह भी है जहां पर बुद्धा प्यार से नहीं बल्कि जबरदस्ती अर्थ को विटनेस की तरह बुलाते हैं। और ये प्रूफ आपको अजंता केव्स में मिलेगा। ये है अजंता केव्स, ये है गंधारा। अगर आप ये वाला इवेंट देखें जो कि दिम्पकर जटका से है, तो इसमें बुद्धा का जो हैंड है वो पाम आउटसाइड है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें अंधेरे की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा इस पेंटिंग में, तो ये कुछ नेल्स भी हैं बुद्धा के, इसमें स्ट्राइक कर रहे हैं
बुद्धार्थ को, जबरदस्ती विटनेस बुला रहे हैं इस इवेंट की। और ये मतलब आप सिंबोलिज्म देख सकते हैं कैसे एक छोटे से एलिमेंट से या पूरी स्टोरी के एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। तो ये गंधार आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट की काफी एक इंपॉर्टेंट खूबी है जो आपको उनकी वर्क्स में मिलेंगी। इसके बाद हम एंड में ही कह सकते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधारा स्कल्पचर्स, चाहे बुद्धा की स्टोरी से इंस्पायर्ड हो, उनकी स्कल्पचर से इंस्पायर हो, या फिर ग्रीक कल्चर या रोमन कल्चर थे, पर उन्होंने बुद्धिज्म के स्प्रेड में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड ऑफ गंधारा, हर आर्ट स्कूल की एक लिमिट होती है जिस टाइम पीरियड तक वो चल पाता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स, काफी फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं रुकने के लिए, बंद होने के लिए, और स्टॉप कर देते हैं उसके आगे इन्फ्लुएंस और प्रोपगेशन को। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और 5th सेंचुरी AD तक वो काफी फले फूले और चलते रहे, पर 5th सेंचुरी AD में मिडल में वाइट हंस आए, जो कि एक कम्युनिटी थी जिन्होंने गंधारा को कॉन्कर किया, और उन्होंने बुद्धा के काफी श्राइन्स डिस्ट्रॉय, श्राइन्स और स्टूपस डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए। और अफगानिस्तान के जो स्टूपस थे वो 7th सेंचुरी AD तक रहे, और उसके बाद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बिल्कुल ही एंड हो चुका था, और ये महान आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट यहीं खत्म हुआ। अब हमने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को एक अलग नजरिए से देखा, कैसे वेस्टर्न एस्पेक्ट्स ने उसे इन्फ्लुएंस किया, पर अब हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को देखेंगे। और सबसे पहले हम जिन जिन राजाओं ने उन पर रूल किया और हमारे सिलेबस में उनका नाम स्पेशली इंक्लूडेड है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले है मौर्यास, जो कि 3rd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC तक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को चलाते रहे। इनका स्पेसिफिक डेट आपको यहाँ मिलेगी 322 BC टू 185 BC, और ये मौर्यास का पूरा रेड में आपको दिख रहा है। तो मौर्यास ने जो जो एरिया कॉन्कर किया ये उसका मैप है, और जो मौर्यास थे उन्होंने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को काफी कंट्रीब्यूशन दी, जो कि हमने पहले बात की। जब मौर्यास ने रूल किया और ग्रेट अशोका का टाइम पीरियड था, तब बुद्धिज्म ने काफी जड़े जमाई और इन्फ्लुएंस दिया उनके कल्चर को और स्कल्पचर्स को। अशोका सम्राट ने 6 पिलर्स इरेक्ट किए थे जिनके ऊपर कुछ बड़े बड़े जानवर थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लॉयन, और यहाँ पर भी ये लॉयन कैपिटल है, लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो कि काफी फेमस है, और इनमें से आज कुछ ही बाकी हैं, और ये मेनली कोट आर्ट को बताते हैं। आप देख सकते हैं ये सब उनकी पॉपुलर कोट आर्ट के अंडर आते हैं। और उसके बाद दीदारगंज जाक्षी, जो कि आज पटना म्यूजियम में है, उनकी लोकल आर्ट जो कि लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाई जाती थी मौर्यास की, उन आर्ट को दिखाती है। और मौर्यास के 2 कलर में स्कल्पचर्स बनते थे, रेड कलर और ग्रेश कलर। और ग्रेश कलर था वो चुनार से आता था, और जो रेड कलर था ये मथुरा से। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर मथुरा से आता था और जो ग्रे कलर बफ कलर था वो चुनार से आता था। और इन जो मौर्यास के स्कल्पचर थे उनकी एक खास बात थी कि ये काफी बड़े होते थे और फुली फॉर्म्ड होती थी इनकी फिगर्स, जानकि अच्छी तरह फिगर्स को बनाया जाता था, कर्वेचर उनका सही होता था और कोई अब्स्ट्रैक्टिज्म नहीं होता था इन फिगर्स में। और उनकी जो पॉलिश होती थी मौर्यास की, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मौर्यन आर्ट का। और थ्योरी बियर, जो कि दीदारगंज जाक्षी के नाम से पॉपुलर है, वो काफी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है मौर्यन आर्ट का। ये 3rd सेंचुरी BC में बना था, इसका स्टैंड स्टोन इसका मीडियम था और इसकी हाइट 5 फीट 2 इंच थी, प्लेस दीदारगंज, और आज ये पटना म्यूजियम बिहार में है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास इसी म्यूजियम के स्पेशलिस्ट की एक वीडियो है जिसमें वो इसके बारे में कुछ खास बातें बताते हैं, तो मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मौर्यन पीरियड में जितने भी स्टोन स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो लगभग लाइफ साइज होती थी। हम यहाँ पर देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट की आकृति। उस समय जो समाज में ऑर्नामेंट्स प्रचलित था, जैसे मांग टीका, हम यहाँ पर देख सकते हैं मांग टीका, फिर कान में ये कुंडल हम देख सकते हैं यहाँ पे, फिर ये मोतियों की माला हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ में चूड़ियां, चूड़ियों के साथ ये कड़ा भी देख सकते हैं, ये कमर में कमरबंद और ये पांव में काड़ा, ये टोटली ऑर्नामेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है एक हाथ में चौड़ी है और ये जो है इसके दाहिने हाथ में है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये द्वार पे लगाई जाती होंगी, कहीं किनारे में रखी होंगी, और दोनों द्वार पे जैसे कोई स्वागत करती हुई महिलाओं को दिखाया जाता है, उसी तरह ये कहीं ना कहीं ये दिखाया गया। और थोड़ा गेट के ये दाहिने साइड में और एक बाएं साइड में भी रही होंगी जो हमें अपील आती है, लेकिन ये हमें मतलब एक अनुमान भी हम लगा सकते हैं, ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि ये जो है वहां पे लगाई, लेकिन ऐसा इतिहासकार और हिस्टोरियन मानते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी की मुस्कान
मोनालिसा के मुस्कान से भी कई अधिक जीवंत है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो एक यक्षिणी एक्सपर्ट भी है और यक्षिणी को मास्टरपीस कहा जाता है इसकी विशेषताओं के कारण, तो आपको क्या लगता है आपकी नजर में इसकी विशेषताएं क्या है? ये बड़ा ही रोचक सवाल है और मैं बताना चाहूंगा इसके लिए कि इस समय जिस समय ये बनी उस समय ये जो कलात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अद्भुत है। उस समय जो ये यक्षिणी बनाई गई उसमें ये नारी के तीन भावों को दिखाया गया, हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक सबसे पहला शिवत्व का, जो महिलाओं के में जो एक सबसे बड़ी भावना होती है शिवत्व का। यक्षिणी के हाथ में जो है वो चावर है, तो वो चावर जो है वो चावर शिवत्व का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा जो इस प्रतिमा में देखने को मिलता है वो है सौंदर्य की भावना। ये सौंदर्य, इसके सौंदर्य के बारे में आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा की भी जो स्माइलिंग है इसकी स्माइलिंग के पीछे फीकी है। और एक और बड़ी भाव से इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इस प्रतिमा को दुखी भाव से देखें तो आप दुखी, ये दुखी नजर आएंगी, और खुशी भाव से आप देखें ये खुशी का भाव देखने को मिलेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है मातृत्व की भावना। मातृत्व यानी जब महिलाएं माँ बनती है, जब वो शिशु को जन्म देती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भाव यहाँ पे, ये आफ्टर डिलीवरी वो दिखाया गया। और दूसरा जब वो शिशु को जन्म देती है तो उनके ब्रेस्ट में दूध आता है। खास बात यहाँ पे देखेंगे दोनों ब्रेस्ट में, जो राइट साइड का ब्रेस्ट है वो कुछ बड़ा है और लेफ्ट साइड वाला है वो कुछ छोटा है, तो इसके पीछे रीजन होता है कि जो उस ब्रेस्ट के पीछे जो होता है वो दिल होता है, तो दिल होने के कारण वो उसमें दूध की मात्रा कम होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एक माँ को, संपूर्ण माँ को दिखलाता है। एक महिलाओं की जो तीन रूप है, तीन भाव जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो शिवत्व का, सौंदर्य का और मातृत्व का। आगे है लॉयन कैपिटल सारनाथ, जो कि अशोका द्वारा एरेक्ट किए गए पिलर्स के ऊपर जो एक जानवर का एग्जाम्पल्स है उनमें से एक है, और ये आज इंडिया का नेशनल एम्ब्लम भी है, और ये 3rd century BC में बना था। इस जो आज सारनाथ म्यूजियम यूपी के अंडर है, और इसकी मीडियम भी सैंडस्टोन ही था। ये डियर पार्क माना जाता है कि ये डियर पार्क में इरेक्टेड था, जहाँ पर बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था, डियर पार्क सारनाथ में है। और इसके जो चार एनिमल्स हैं और जो लोटस है वो सब किसी ना किसी चीज को सिंबलीफाई करते हैं। ये जो चार टाइगर्स हैं, जो लॉयंस हैं, ये आप देख सकते हैं हर तरह, हर एक डायरेक्शन में इनका फेस है। ये सिंबलीफाई करते हैं कि अशोका का रूल हर डायरेक्शन में होगा। और उसके नीचे आप एक राउंड बैकस देख पा रहे हैं, इसके ऊपर एक चक्र है, ये चक्र में 24 स्पाइक्स हैं, जो कि 24 और अशोका के रूल और वेल्थ का सिंबल है। और इसके आसपास आपको 4 एनिमल्स मिलेंगे, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स एंड बुल। और ये प्राइड, कॉन्फिडेंस, करेज और पावर, जो कि एक राजा की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको सिंबलीफाई करते हैं। और ये जो लोटस है ये क्रिएटिव एस्पिरेशन और लाइफ का सिंबल है, और क्रिएटिव और नए नए एलिमेंट्स का सिंबल है। और एक बुद्धिज्म माइथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस पिलर का। ये चार लॉइंस बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन को सिंबलीफाई करते हैं, ये 24 ऑर्स बुद्धा की व्हील ऑफ लॉ को सिंबलीफाई करता है, जो कि बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और 4 एनिमल्स बुद्धा की लाइफ स्ट्रीग्स को सिंबलीफाई करते हैं, जैसे कि एक एलिफेंट जब बुद्धा अपनी माँ के सपने में आए थे, और उसके बाद हॉर्स जब बुद्धा एक प्रिंस थे, और बुल जब बुद्धा एक संत बन गए थे और इनलाइटमेंट की लाह में थे, और उसके बाद एक लॉइन जब बुद्धा ने इनलाइटमेंट पा ली थी। और उसके बाद बुद्धिस्ट तवाहेट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट तवाहेट्स एक नहीं है, काफी ज्यादा है, और हमारे सिलेबस में पर एक ही इंक्लूडेड है। मैं यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट तवाहेट्स के एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा, आप देख सकते हैं काफी तरह के बुद्धिस्ट तवाहेट्स हैं। एक में चाइनीज बुद्धिस्ट तवा दिखेंगे आपको, और एक में आपको मोटी नाक वाले बुद्धिस्ट तवाहेट दिखेंगे, और ऐसे ही आपको कई एग्जाम्पल्स दिखेंगी। पर इनमें एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक का जो कॉमन है, इनकी आईज हाफ क्लोज्ड हैं। हाफ क्लोज्ड आईज बुद्धिज्म की बैलेंस कॉन्सेप्ट को सिंबलीफाई करती हैं। और यह है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड बुद्धिस्ट तवाहेट, आप देख सकते हैं इनकी भी आईज हाफ क्लोज्ड हैं, जो बुद्धिज्म के बैलेंस के कॉन्सेप्ट को सिंबलीफाई करती हैं, कि ना ही वर्ल्ड से पूरी तरह
बिछड़ जाओ ना ही वर्ल्ड में पूरी तरह डूब जाओ। अब ये बुद्धिस्ट तवा हेड आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसकी डायमेंशन है 27 × 20 × 15 सेंटीमीटर और ये ब्लैक मार्बल स्टोन से बना है और ये 2nd century BC में बनाया गया था। और इसकी जो फिगर है, जो फेस का शेप है, वो ग्रीक आइडिया है, यानी ग्रीक आर्टिस्ट जिस तरह बनाते थे वैसी है। और ये इनकी जो कर्ली हेयर्स है वो भी ग्रीक आइडिया ही हमें दिखाते हैं। और इनकी जो कुछ लंबे किए हुए कान है ये भी ग्रीक आइडिया ही है। और आप देख सकते हैं ये एक काफी ज्वेलरी भी पहनी हुई है इन्होंने। और इस साइड आपको एक कपड़ा दिखेगा इन्होंने पहना हुआ है। और पीछे जो ये गोल सी चीज है जो इसे हेलो कहा जाता है, जो कि काफी बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के पीछे आपको मिलेगा। और उसके बाद अभी हमने मौर्यस की बात की, मौर्यस के बाद शुंगा आए थे। शुंगा 2nd century to 1st century BC तक थे। और शुंगा कोई खास हमारे सिलेबस में स्कल्पचर्स नहीं है, पर फिर भी मैं इनका नाम हमारे सिलेबस में है तो मैं इनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। शुंगा का मेनली इरोटिक आर्ट काफी फेमस है जिसमें लेडीज को दिखाया जाता था। और ये चाइना और में भी काफी फेमस है शुंगस, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने चाइना में और गंधारा में। उसके बाद क्वेश्चन आए थे शुंगा के बाद, जो कि 1st century थी 3rd century AD में थे। और क्वेश्चंस दो ओवरलैपिंग स्टाइल्स ऑफ इंडियन आर्ट को दिखाते हैं, मथुरा और गंधारा। इनके अंदर दोनों ही स्कूल्स चले और ये 1st century थी 3rd century AD तक चले। और इन्होंने विजुअल आर्ट दी, विजुअल फॉर्म दी बुद्धिज्म को। और यही वो टाइम पीरियड था जब मेनली बुद्धा को फिजिकली दिखाया गया, एक ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया गया। पहले बुद्धा को मेनली सिंबल से दिखाया जाता था, जैसे कि बोधि ट्री, लोटस एक्सेट्रा। और हिंदू और बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदू और जैन फिगर्स भी काफी बनी इस टाइम पीरियड में। और पहले हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करेंगे। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इंडिया का ही स्कूल ऑफ आर्ट था। और इसकी जो आइकोनोग्राफी, यानी जो फिग आइकन्स बनाते थे, छोटी मोटी सिंबल देने वाले पिक्चर्स बनाते थे, और जो फॉर्म और कॉस्ट्यूम थी स्कल्पचर्स थी वो इंडियन ही थी। और जो मथुरा का रेड स्टोन था वो यूज करते थे मथुरा के आर्टिस्ट। और उन्होंने मेनली फोटोस या फिर स्कल्पचर्स प्रोवाइड किए बुद्धिज्म को, जो कि आगे दूर दूर तक नहीं कि स्कल्पचर्स जाया करते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कल्पचर्स हैं रेड स्टोन में मथुरा में जो जिसके बारे में बात करते हैं। पहला है सीटर बुद्धा कटरा टीला, ये सिकरी और सैंडस्टोन के मिक्सचर से बना है। ये 3rd century AD में बनाया गया था। इसका साइज है 27 × 12 inch और ये आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की कोटसी में है। ये आप पद्मासना पर बैठे हुए हैं यहाँ पर बुद्धा, और एक स्क्वेयर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। और संघाती है वो उनके सिर्फ लेफ्ट शोल्डर पर है, और बीच में आते आते उसके जो कर्व्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। और इनका जो लेफ्ट पाम है ये इनकी लेफ्ट थाई पर है, और इसमें राइट हैंड इनका रेस्ट है। ये अभय मुद्रा में है हैंड से, और नीचे इनकी पद्मासना मुद्रा है। और ये एक लॉयन थ्रोन पर बैठे हुए हैं, आपको नीचे 3 loins दिखेंगे। और पीछे एक हेलो है, हेलो में आपको डेकोरेशंस दिखेंगी, और उसके फ्लाई विस्क वियरर्स दिखेंगे आपको, मक्खी दूर करने वाले। और ऊपर डीटीस यानी दो गॉड। उसके बाद क्वेश्चन के बाद गुप्ता पीरियड, गुप्ता 4th से 6th century AD तक रहे। और गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एरा कहा जाता है इंडियन आर्ट का। और इन्होंने जो फ्लोरल और फ्यूनल डिजाइन थे, यानी आर्टिस्टिक करेक्टरिस्टिक थी इनकी, वो फूल पत्तियां थी, फूल पत्तियों के डिजाइन थे, और काफी अट्रैक्टिव थे इनकी जो ये डिजाइन थे। और ये भी रिलीजियस थॉट और आइकोनोग्राफी ने काफी डेवलपमेंट की गुप्ता पीरियड में। इनका एक एग्जाम्पल है जैन तीर्थंकरा, इसमें आपको हेलो के पीछे एक ऑर्नामेंटेशन दिखेगी जो कि गुप्ता पीरियड की स्पेशलाइजेशन है। ये जैन की एक जैन तीर्थंकरा की एक स्टैचू है, आप देख पा रहे हैं, तो आईज पूरी क्लोज है। ये जैनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दुनिया से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए, और क्लोज आईज उसी को सिंबलिफाई करते हैं। इस स्कल्पचर में आपको जैन तीर्थंकरा पद्मासना में दिखेंगे, और पीछे एक हेलो दिखेगा, और एक डीटी यानी गॉड दिखेंगे ऊपर। और ये मथुरा में मिले थे, और ये आज स्टेट म्यूजियम लखनऊ यूपी में है। और इनका ये 5th century AD मिले थे, और इनका मेन जो मीडियम है वो व्हाइट मार्बल है। उसके बाद सीटेड बुद्धा सारनाथ, सीटेड बुद्धा सारनाथ भी गुप्ता पीरियड की है, और इसमें आपको ऑर्नामेंटेशन दिखेगी, फिर से गुप्ता पीरियड की स्पेशलाइजेशन। और बीच में जो खाली जगह छोड़ी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऐड करती है इस हेलो को, और जो आसपास ऑर्नामेंटेशन की गई उसे एक स्पेशल इफेक्ट देती है। इसमें भी आपको ऊपर दो डीटीज यानी गॉड्स दिखेंगे, और बुद्धा का
डॉटेड हेयर स्टाइल दिखेगा, एक बन दिखेगा जिसे उष्णीषा के नाम से जाना जाता है, इलोंगेटेड ईयर्स दिखेंगी और बुद्धा ने अपने हैंड से धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा ली हुई है और नीचे पद्मासना में बैठे हैं और नीचे कुछ आपको मॉन्क्स दिखेंगे हवन करते हुए या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट करते हुए और आपको बुद्धा की आइस हाफ क्लोज दिखेंगी। और ये आज सारनाथ म्यूजियम यूपी में है और ये 5th century AD में है और ये व्हाइट मार्मल से बना हुआ है ये स्कल्पचर। और ऐसे ही हमने अपने सिलेबस की मेनली सारे स्कल्पचर्स पढ़ लिए हैं और एक टाइमलाइन के जरिए मैं आपको सब रिवाइज कराना चाहूंगा, जैसे कि मौर्यास 3rd century to 2nd century BC उनका जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स थे बुद्धिस तवाहेड, लैंड कैपिटल, छोरी बियर, उसके बाद शुंगा जिनकी कोई इंपॉर्टेंस स्कल्पचर्स नहीं थी जो कि थे 2nd century to 1st BC, उसके बाद कुशंस 1st to 3rd century AD जो कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट चला उनके अंडर और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का इंपॉर्टेंस स्कल्पचर सीटर बुद्धा कटराटीला, और उसके बाद गुप्ता पीरियड जिन्होंने जैन पीरियड में जैन तीर्थंकर और सीटर बुद्धा थे बुद्धा बनाए गए। और इसी के साथ हमारे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यही खत्म होता है और हमने अपना सिलेबस के मेनली काफी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिए। और इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।